नमस्कार दोस्तों, री एजुकेशन आईएएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पिछले चार वीडियो के माध्यम से हमने प्रतिशत के लगभग सभी प्रश्नों को देख लिया और आज ये पांचवा और आखिरी वीडियो जिसमें प्रतिशत के जो कुछ और टाइप हैं हम उसको देखेंगे और इसी के साथ प्रतिशत हमारा आज समाप्त हो जाएगा। इसमें आज हमारा पहला प्रश्न है कि संतरे के मूल्य में 20% की कमी हो जाने से 500 रुपये में 25 संतरे अधिक आने लगते हैं, ज्ञात कीजिए एक संतरे का प्रारंभ में मूल्य कितना था। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्न को हल करने के लिए एक फार्मूला होता है, हमें उस फार्मूले को याद रख लेना चाहिए क्योंकि वह फार्मूला बहुत ज़्यादा समय बचाता है। जैसे प्रारंभिक मूल्य ज्ञात करने के लिए इसका एक फार्मूला होता है कि प्रारंभिक मूल्य बराबर a बाई n गुड़े यक्स अपान 100 माइनस प्लस माइनस यक्स। ठीक, ये होता है प्रारंभिक मूल्य का फार्मूला। और इसी प्रकार परावर्तित मूल्य ज्ञात करने के लिए एक अलग फार्मूला होता है जो होता है परावर्तित मूल्य बराबर a बाई n गुड़े यक्स बाई 100। दोनों में अंतर क्यों लिए होता है कि जब प्रारंभिक मूल्य ज्ञात किया जाता है उसमें जितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होती है उसको प्लस या माइनस लगा के लिख दिया जाता है, 100 से जोड़ या घटा दिया जाता है। जैसे यदि संतरे के मूल्य में 20% की कमी हो रही तो यहाँ माइनस 20 हो जाएगा, यदि 20% की बढ़ोतरी होती अधिकता होती तो यहाँ प्लस 20 हो जाता। तो प्रारंभिक मूल्य में बस इतना जोड़ना और घटाना होता है, लेकिन जब परावर्तित मूल्य निकालते हैं तो हमें कुछ भी जोड़ना घटाना नहीं होता, a बाई n गुड़े x बाई 100 होता। यहाँ a जो होता है वो वस्तु का दाम होता है। ठीक, a वस्तु का दाम होता है या मूल्य होता है, और दूसरा क्या होता है, n जो होती है उतने रुपये में जो जितनी ज़्यादा वस्तुएं मिलती है। जैसे 500 रुपये में 25 संतरे अधिक आने लगे तो 25 क्या है, संख्या है, उसे n से डिनोट करते हैं, या वस्तुओं की संख्या है, या वस्तुओं की संख्या है। और यक्ष क्या है, जितने प्रतिशत की वृद्धि या प्रतिशत वृद्धि या कमी जितनी हो रही। ठीक है, तो इस प्रकार ये दो फार्मूले हैं जिनको हमें याद कर लेना चाहिए, इस आधार पे हम प्रश्न को बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। तो चलिए प्रश्न को हल करते हैं। तो पूछा है कि संतरे के मूल्य में 20% की कमी हो जाने से 500 रुपये में 25 संतरे अधिक आने लगते हैं, ज्ञात कीजिए एक संतरे का प्रारंभ में मूल्य कितना था। तो वो प्रारंभिक मूल्य पूछ रहा है, तो प्रारंभिक मूल्य का हमारा फार्मूला है प्रारंभिक मूल्य बराबर a बाई n गुड़े यक्स अपान 100 प्लस माइनस यक्स। यहाँ पे क्या हो रहा है, 20% की कमी, तो उससे क्या हो रहा है, 500 रुपये में 25 संतरे अधिक आ रहे हैं। तो a क्या है, पैसा, तो पैसा 500 लिख देंगे, 500 बटा कितने संतरे अधिक आने लगते हैं, 25 को नीचे लिख देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, यक्स का मान कितना है, 20% कम, 20 ऊपर रखेंगे, और जब कमी की बात हो रही है तो 100 में से 20 हम घटा देंगे। अगले स्टेप पे हमारा क्या होगा, इसको काटेंगे 25 से, 25 जाएगा दो बार और एक जीरो उतर जाएगा 20, और अगला स्टेप हो जाएगा 20 गुणे 20 बटा 80। 20 से काटेंगे ये जाएगा 4 बार और 4 से काटेंगे ये जाएगा 5 बार। तो उस संतरे का प्रारंभ में मूल्य कितना था, 5 रुपया प्रति संतरा। ठीक, 5 रुपये प्रति संतरा। अब दूसरी लाइन में पूछा है कि इसका परावर्तित मूल्य कितना होगा। परावर्तित मूल्य के लिए हमने आपको बताया फार्मूला, परावर्तित मूल्य के लिए जो मूल्य का फार्मूला हमारा है a बाई n गुड़े यक्स अपान 100। a का मान कितना है, 500, n का 25 गुड़े यक्स का 20 बटा सीधे 100 कर देना, इसको हल कर लेना है।
25 से काटते हैं ये जाएगा 25 दूनी 50 20 बार, 20 से काटते हैं ये जाएगा कितनी बार, 20 पंचे 105 बार, 5 से इसको काटेंगे तो ये जाएगा 4 बार। तो परिवर्तन के बाद जो मूल्य हो जाएगा वो 4 रुपया पर संतरा हो जाएगा। तो इस दोनों फार्मूलों को आप याद कर लीजिएगा, इससे हमारे क्वेश्चन आसानी से हल हो जाएंगे। हमारा अगला प्रश्न है, चावल के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाने से 100 रुपए में 500 ग्राम चावल कमाने लगा। ठीक है, अब चावल का जो मूल्य था वो 25% बढ़ गया। ठीक है, यहां यक्ष का मान दे दिया है, यक्ष का मान दिया है 25%, वो भी क्या बढ़ोतरी प्लस 25% हम कर देंगे। ठीक है, और ए का मान दिया है 100 रुपए, ए क्या दिया अमाउंट दिया है 100 रुपए, उससे 100 रुपए में कितना कम आने लगा 500 ग्राम, यन बराबर दिया है 500 ग्राम, इसको हम संख्या में बदल लेंगे तो 1/2 किलोग्राम हो जाएगा, 1/2 किलोग्राम हो जाएगा। ठीक है, अब हमें जो भी निकालना है हम फार्मूले पे रखेंगे। प्रारंभ में चावल का दाम पूछा था, ठीक है, तो प्रारंभिक मूल्य के लिए हमारा फार्मूला क्या है, ए बाई एन मल्टीप्लाई यक्स बाई 100 प्लस माइनस एक्स, जैसा पूछा जाए। तो ए का मान यहाँ कितना है, ए का मान यहाँ है 100 रुपये, कितना अधिक या कम आने लगा है 500 ग्राम, तो 500 ग्राम को 1/2 रख देंगे। ठीक है, गुड़े यक्स का मान कितना दिया है 25% की वृद्धि, तो हो जाएगा 25 अपान वृद्धि हो रही है तो 100 प्लस 25, इसको हल करेंगे 1/2 है दो ऊपर जाएगा, हो जाएगा 200 गुणे 25/125, 25 से काटेंगे 25 जाएगा 5 बार और 5 से काटेंगे तो ये जाएगा 4 बार 0। तो कहने का मतलब हो गया कि प्रारंभ में जो चावल का मूल्य था वो 40 रुपये प्रति किलोग्राम था। ठीक है, दूसरा प्रश्न, मूल्य में परिवर्तन के बाद चावल का मूल्य कितना हो जाएगा, तो उसके लिए हमारा फार्मूला क्या था, ए बाई एन, ठीक है, दूसरे क्वेश्चन का है ये, ए बाई एन गुड़े यक्स बाई 100। ठीक है, इसमें कुछ जोड़ना घटाना नहीं होता। ए का मान कितना है, ए का मान हमारा है 100 रुपये, एन कितना है 1/2 गुड़े यक्स का मान दिया है 25/100 कर देंगे। ठीक है, इस 100 से इस 100 को हम काट देंगे सीधे, ये दो ऊपर चला जाएगा और 2 × 25 हो जाएगा। ठीक है, बराबर हो जाएगा 50 रुपये प्रति किलोग्राम। तो इस प्रकार बहुत ही आसानी से हमने दोनों प्रश्नों को हल कर लिया। ठीक है, तो इस फार्मूले को आपको याद रखना होगा, एक बार मैं फार्मूला फिर से लिख देता हूँ। प्रारंभिक मूल्य का जो फार्मूला होता है, प्रारंभिक मूल्य उसका फार्मूला होता है ए बाई एन गुणे यक्स अपान 100 प्लस माइनस यक्स, और परिवर्तित मूल्य, ठीक है, परिवर्तित मूल्य मतलब परिवर्तन के बाद जो मूल्य होता है उसका फार्मूला होता है ए बाई एन गुणे यक्स बाई 100। इन दो फार्मूलों को हमें याद रखना है, इसी दोनों आधार पे हमारे सभी क्वेश्चन लग जाएंगे। यदि ग्राम में वैल्यू दी है तो उसे किलोग्राम में हम चेंज कर लेंगे। अगला प्रश्न हमारा है कि 10% का 6% कितना है। ठीक है, 10% का 6% कितना है, तो यहाँ हमें कन्फ्यूज नहीं होना है। जैसे यदि हमसे कहा जाए 10 का 6 कितना है, ठीक है, कितना है, तो हम क्या करते हैं, तो का की जगह पे केवल क्या लिख देते हैं, गुणे का निशान, इन दोनों का आपस में हम क्या कर देते हैं, गुणा कर देते, आ जाता 60। तो वही यहाँ भी करना है। ठीक है, हमें प्रतिशत पे ध्यान नहीं देना है। 10, एक मिनट, थोड़ा सा गलत हो गया कि 10% का 6% कितना प्रतिशत पूछा गया। ठीक है, मैंने प्रतिशत पे ध्यान नहीं दिया, 6 कितना प्रतिशत है, तो 10 हमें इस यूनिट पे ध्यान नहीं देना है। ठीक है, सीधे सीधे जैसे हम क्वेश्चन लगाते हैं वैसे लगाएंगे, 10% का 6%। ठीक है, तो 6% पूछ रहा है किसका, 10% का, 6% / 10% कितना प्रतिशत है गुड़े 100% कर देंगे। ठीक है, प्रतिशत में पूछा है तो प्रतिशत से प्रतिशत ये कट जाएगा
और ये काट देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 60%। ठीक है, यहाँ पे हमें जो यूनिट दी गई है उस पर कोई हमें ध्यान नहीं देना है, क्योंकि वो आपस में कट ही जाएंगे। जैसे अगर कहा जाए 10 रुपये का 6 रुपया कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है, तो हम यही करते हैं 6 जिससे तुलना करने उसको नीचे रखते हैं, गुणे 100 कर देते हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार ये आ जाएगा हमारा 60%। तो उसी प्रकार हमें क्या करना है, यहाँ प्रतिशत पे ध्यान नहीं देना है, क्योंकि ये तो एक यूनिट मान के रखा गया है और ये आपस में कट जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा 60% आंसर आ जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि 10% का 8% कितना होगा। देखिए यहाँ पे प्रतिशत नहीं पूछा गया है, ये कहा है 10% का 8% कितना होगा, तो सीधे सीधे 10% गुणे 8% हमें कर देना है। ठीक है, प्रतिशत का मतलब होता है बटे में 100, तो 10/100 हो जाएगा, गुणे 8/100 हो जाएगा। ठीक है, 10 से 10 काट देंगे, ये हो जाएगा 8/1000। इन तीनों 0 को हटाना है तो ऊपर क्या करना है, उतने पॉइंट लगाना होगा, 3 अंक के बाद पॉइंट लगेगा, 800.0। ये हमारा आंसर हो जाएगा 10% का 8 कितना होगा। ठीक है, अगर ये प्रतिशत पूछा होता तो पहले प्रश्न की तरह ये लगता। ठीक है, दोनों में आप अंतर करके रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है कि 500 का 30% प्लस 200 का 20% बराबर 600 का 1%, तो x का मान पूछा है। तो यहाँ पे 500 पहले का को हटाते हैं, 500 गुणे 30% मतलब 30/100, ये प्रतिशत का मतलब होता है बटे में 100, प्लस 200 का 20% मतलब 20/100 बराबर 600 गुणे 1/100। ठीक है, अब इसको हल करते हैं, इसको हल करेंगे, इन 2 जीरो से इनके 2 जीरो कट जाएंगे, इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3×5 15 मतलब 150, प्लस इनके 2 जीरो कटेंगे इससे, और ये 2×2 = 4 मतलब आ जाएगा 40 बराबर 600 गुणे 1/100। तो यहाँ पे इसको भी हल कर लेते हैं, 0 0 काट देंगे तो ये यहाँ आ जाएगा पूरा पूरा, ये हमारा आ जाएगा 600, ये हमारा आ जाएगा पूरा, 0 0 कट जाएगा, आ जाएगा 6x बराबर हो जाएगा 190, 150 प्लस 40 190 होगा बराबर 6x, 6 और x बराबर हमारा हो जाएगा 190/6। इसको अगर हम काटेंगे तो जाएगा 2 से काटे, 2 × 3 = 6 और 2 × 9 = 18, 2 × 5 = 10। ठीक है, 95/3। यदि इसको और हल करना चाहेंगे तो हमारा आ जाएगा 3×3 = 9, 3×1 = 3, 2/3, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा x का मान हो जाएगा। ठीक है, तो जैसा प्रश्न में कहा गया ठीक वैसे वैसे करते चले जाना है, और जब आप प्रैक्टिस आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो ये क्वेश्चन आप और भी शॉर्ट में लगा सकेंगे। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है कि एक दलाल के दलाली की दर को 4% से बढ़ा के 5% कर दिया गया। मान लो कोई दलाल था, उसको 100 रुपये पे 4 रुपये मिल रहे थे, उसको बढ़ा के 5 रुपये कर दिया गया। ठीक है, ज्ञात कीजिए आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। ठीक है, आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई उसके, तो पहले वो कमाता था कितना, 4%, बढ़ के कितना हो गया 5%, पहले कितना कमाता था 4%, अब बढ़ के कितना हो गया उसका आय 5%। ठीक है, वृद्धि कितनी हुई 1% की। ठीक है, किस पे वृद्धि हुई 4% पे। ठीक है, जिससे तुलना करनी है तो अब टोटल कितनी वृद्धि हुई ज्ञात करना है, तो 1% की वृद्धि हुई कितने पे, 4% पे, टोटल कितने हो जाएगा, गुणे 100 से गुणा कर देंगे तो हमें टोटल प्रतिशत पता चल जाएगा कितना प्रतिशत वृद्धि उसके आय में हुई। 1/4 हो गया, 4 से काटेंगे तो 4×5 = 100 मतलब उसके आय में कितना वृद्धि हो गया, 25% की वृद्धि हो गई। ठीक है,
ये सिंपल क्वेश्चन था, केवल प्रतिशत की वजह से लोग कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। तो प्रतिशत का हमें ध्यान ही नहीं देना, ये मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति 4 रुपये कमाता था, बाद में उसका आय 5 रुपये हो गया, तो पूछा जाए कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो सबसे पहले हम निकालते हैं कितने रुपए की वृद्धि हुई, तो पता चला 1 रुपये की। कहाँ से वृद्धि हुई? 4 रुपये से। और उसी में अगर हम 100 का गुणा कर देते हैं तो हमें पता चल जाता है कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो 4 से अगर हम काटेंगे, 4 × 2 = 8 और 4 × 5 = 20, मतलब 25% की वृद्धि। वही चीज़ तो यहाँ किया गया है, यहाँ प्रतिशत में मान था, तो प्रतिशत और प्रतिफल दोनों आपस में कट जाएंगे, फिर 4 से काट के हम 25% अपना निकाल लेंगे, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था, तो ध्यान से आप देखते जाइए, आपके सभी क्वेश्चन बनते चले जाएंगे। अगला प्रश्न हमारा है कि एक दलाल के दलाली की दर 4% से बढ़ के 5% कर दिया गया, ठीक है। ठीक उसी प्रकार क्वेश्चन है, यदि उसकी आय अपरिवर्तित हो, ठीक है, कह रहा है कि दलाली तो बढ़ गई लेकिन फिर भी उसका आय बढ़ा नहीं, तो मतलब व्यापार में घाटा हुआ होगा। तो ज्ञात कीजिए व्यापार में कितने प्रतिशत की कमी हुई, तब व्यापार में कितने प्रतिशत की कमी हुई है। तो सबसे पहले ये ज्ञात कर ले हम कि उसके आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, फिर हम प्रतिशत व्यापार में कमी निकाल लेंगे पहले वाले फार्मूले से। तो उसके आय में कितनी वृद्धि हुई, उसकी दलाली थी 4% की, बढ़ के कितनी हो गई 5%, दलाली में 1% की बढ़ोतरी, 1% दलाली बढ़ गई। तो 1% दलाली बढ़ी लेकिन पूरे में कितनी बढ़ी, ठीक है, मतलब उसकी आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, ये निकालने के लिए 1/4 × 100 करेंगे। इस प्रकार आ जाएगा हमारा, 4 से काटेंगे 100 को तो 25 बार जाएगा, तो पूरे इसके आय में, उसका जो आय था उसमें 25% की वृद्धि हो गई, ठीक है, कहाँ, उसकी आय में। लेकिन यदि आय में 25% की वृद्धि होने के बाद भी, ठीक है, यानी उसकी दलाली में, ठीक है, उसकी दलाली में, एक मिनट, दलाली में 25% की वृद्धि हो गई लेकिन उसकी आय नहीं बढ़ रही, ठीक है, दलाली में 25% की वृद्धि हो गई लेकिन यदि उसकी आय नहीं बढ़ रही है, तो कहने का मतलब व्यापार में घाटा हुआ। वही घाटा, प्रतिशत कमी, व्यापार में प्रतिशत कमी, कितने प्रतिशत की कमी हुई, व्यापार में कितने प्रतिशत की कमी हुई, प्रतिशत की कमी हुई यह निकालने के लिए क्या करना होगा, हमें प्रतिशत कमी वाला फार्मूला लगाना होगा। प्रतिशत कमी होता है यक्ष अपान 100 प्लस यक्ष गुड़े 100, क्योंकि अगर कम करना तो नीचे वाली वैल्यू बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। तो यक्ष 100 प्लस यक्ष वाला फार्मूला लगेगा, यक्ष का मान निकाले हमने 25/100 + 25 = 125 × 100। इसको काटेंगे ये जाएगा कितनी बार, 5 बार, 5 से इसको काटेंगे जाएगा 20 बार। कहने का मतलब उसके व्यापार में 20% की क्या हो गई, गिरावट आ गई, व्यापार में 20% की कमी हो गई, इसीलिए दलाली बढ़ने के बाद भी उसकी आय बढ़ी नहीं, ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, अगला, एक व्यक्ति अपनी संपत्ति का 25% भाग अपनी पत्नी को, मतलब उसके पास कुछ संपत्ति थी, उसने उसमें से 25% भाग अपनी पत्नी को दे दिया, जो बचा, ठीक है, बचा कितना 75%। अब उसमें से 20%, ठीक है, 75 का 20% धन अपने पुत्रों को दे दिया, और जो पुनः बचा था 75 से 20% निकालने के बाद, वह संपत्ति, बची संपत्ति का 50% भाग अपने 2 पुत्रियों में बांट दिया, मतलब जो बचा उसके पास उसको अपने पुत्रियों में बांट दिया, ठीक, अंत में उसके पास 12 लाख रुपए शेष बचे। ज्ञात कीजिए उसकी कुल संपत्ति कितनी थी। जब इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाए कि आदमी के पास जितनी संपत्ति है उसमें से कुछ दे देता है, जो बचता है उसमें से कुछ प्रतिशत देता है, फिर जो बचता है उसमें से कुछ प्रतिशत देता है, तब उसके लिए एक फार्मूला होता है, इसको याद रखना पड़ेगा, कुल संपत्ति बराबर, क्योंकि इसको याद रखने से सवाल जल्दी लगता है, कुल संपत्ति बराबर बराबर होता है आर, आर क्या, वही बचा हुआ धन, गुड़े 100 / 100 - x, ठीक है। अगला हो जाए गुड़े 100 / 100 - y, गुड़े 100 / 100 - z,
इसका मतलब है कि जितनी बार जितने लोगों को देगा उतना ही गुणे जेड ए बी सी कुछ भी होता चला जाएगा, उतना ही लंबा प्रश्न ये बनता चला जाएगा। तो ये तीन लोगों में बांटा है तो एक्स वाई जेड हमने मान लिया, ठीक है। इस फार्मूले को आपको याद रखना पड़ेगा, इसके आधार पर प्रश्न लगेगा। अब बचा कितना है, अब हमें इसकी संपत्ति निकालनी है, तो बचा कितना, आर का मान दिया है 12 लाख। आर का मान किसने दे कितना दे दिया है 12 लाख रुपये, ठीक है, गुणे 100 अपान 100 माइनस यक्स का मान कितना है, पहली बार अपनी पत्नी को देता है 25%, 100 माइनस 25 कर दिया, गुणे दूसरी बार क्या है 100 अपान अपने पुत्र को कितना देता है 20%, तो 100 माइनस 20, ठीक है। अगला क्या होगा, अगला अपनी दोनों पुत्रियों में दे देता 50%, तो 100 अपान 100 माइनस 50, ठीक है। अगले स्टेप में क्या होगा, इसको हल करेंगे हम, 12 लाख गुड़े 100 अपान 75 गुड़े 100 अपान 80 गुड़े 100 अपान 50, ठीक है। अब 50 से काट देंगे इसको, 50 दुनी 100, दो बार गया, यहाँ 80 था, 20 पंचे 100, 20 चौक 80, ठीक है। 2 से इसको काट हमने दिया, 2 दुनी 4, 25 से हमने इसको काटा, 25 दिया 75, 25 चौका 100, चार बार गया, ठीक है। यहाँ पे 2 से फिर हमने इसको काट दिया, ये जाएगा कितना बार, 2 दुनी 4 बार, ठीक। यहाँ 2 बचा, यहाँ 5 बचा, ठीक है। अब इसको हल और हल करते हैं, 12 लाख गुड़े 5 दुनी 10, ठीक है, बटा 3, कुल संपत्ति बराबर ये है, ठीक, कुल संपत्ति बराबर ये 12 लाख गुड़े 10 बटा 3। अब हम इसको काट देंगे किससे, 3 से, 3 जाएगा 4 बार, और 4 का जब गुणा होगा 10 में तो ये हो जाएगा हमारा 40 लाख। तो कहने का मतलब क्या था, उस व्यक्ति के पास कुल संपत्ति कितनी थी, 40 लाख रुपए थी, ठीक है। एक सिंपल सा फार्मूला, आप इसको याद रखेंगे और इसी पे आप रखे चले जाएंगे। मान लेते हैं 4 लोगों में बांटा होता तो आगे हम इसके गुणे 100 अपान 100 माइनस, मान लो जेड के बाद नई संख्या तो ए कर देते, 100 अपान 100 माइनस बी कर देते, तो इसी प्रकार हम ये फार्मूला बढ़ाते चले जाते, ठीक है। और जो ये आर है, ये आर क्या है, जितना बचा हुआ धन, ठीक है, बांटने के बाद जो बचा हुआ धन होता है वो होता है हमारा आर, ठीक है। ये प्रश्न समझ में आ गया, इसी से आधारित एक प्रश्न और देखते हैं। अगला है कि एक व्यक्ति अपने आय का 40% भाग भोजन पर, 30% मकान के किराए पर और 20% अन्य मदों पर खर्च कर देता है। देखिए, वहाँ जो बचता था उसमें से खर्च करता था, लेकिन यहाँ क्या है, उसके पास जो धन था उसी को उसने बांट दिया। मतलब 100 रुपये उसके पास था तो 40 रुपये भोजन पे दे दिया, 30 रुपये मकान किराए पर दे दिया, 20 रुपये अन्य मदों खर्चा कर दिया, मतलब 40, 30, 70, 20, 90 रुपया उसने खर्च कर दिया, 10 रुपया बचा। इस प्रकार का ये क्वेश्चन है। और अगला वाला क्या था, दूसरे प्रकार का क्वेश्चन था, उसमें 100 रुपये में से मान लेते 25% देते, 75 बचा, 75 का 20% देता था, ठीक है, 75 का 20% मतलब लगभग 15 रुपये, ठीक है। तो इस प्रकार वो बांटा था, यहाँ दूसरे तरीके से बांट रहा है। तो एक व्यक्ति अपने आय का 40% भाग भोजन पे, 30% भाग मकान के किराए पर और 20% अन्य मदों पर खर्च कर देता है, ठीक है। तो इसके लिए दूसरा फार्मूला है कि कुल धनराशि बराबर हो जाएगा, कुल धनराशि बराबर, धनराशि बराबर, जैसे उसमें फार्मूला था ठीक उसी प्रकार है, आर गुड़े 100 अपान 100 माइनस जितनी बार बांटा उसने, यक्स प्लस वाई प्लस जेड जितना जितना प्रतिशत उसने बांटा है सबको जोड़ के 100 से घटा देना है। तो आर की वैल्यू कितना दिया इसने, 3000 उसके पास शेष बचे थे, गुड़े 100 अपान 100 माइनस पहली बार उसने कितना दिया 40% गुड़े 40 प्लस दूसरी बार मकान का किराया कितना दिया 30% अन्य मदों पर खर्चा किया कितना 20% सबको जोड़ लेते हैं, 3000 गुड़े 100 अपान 100 माइनस 40, 30, 70, 20, 90, ठीक है। अगले स्टेप पे से हल करेंगे, 3000 होगा, 3000
गुणे 100/10, इसको हम काट देंगे एक जीरो, 3000 × 10 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 30000। 30000 हमारा आंसर आ जाएगा कि उस व्यक्ति की जो कुल आय थी, कुल मासिक आय 30000 रुपये थी। ठीक है, तो इस पे दो प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन बनता है कि जब वह जितना बचा होता उसमें से खर्चा करता है, दूसरा बचता है कि जितना पैसा था उसमें से वो बांट दे रहा है, 40%, 30%, 20%, 10% करके उसने दे दिया। तो दोनों के लिए अलग अलग फार्मूले थे, इन दोनों फार्मूलों को आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, इस प्रकार इस पूरे परसेंटेज में हमने ज़्यादा फार्मूले नहीं देखे, जो कुछ फार्मूले थे आप उनको ध्यान से याद कर लीजिएगा, इससे आपके सभी प्रश्न बन जाएंगे। पहला प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत कमी का फार्मूला था, प्रतिशत वृद्धि ठीक है का फार्मूला था, यक्स अपान 100 माइनस यक्स गुणे 100। दूसरा प्रतिशत कमी का फार्मूला था, ये पहले दिन हम लोगों ने देखा था, वो था यक्स अपान 100 प्लस यक्स गुणे 100। ये फार्मूले, एक फार्मूला हमने लगाया प्लस माइनस ए वाला, ये बहुत दूर तक लगा था, प्लस माइनस ए बराबर प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बटा 100। ये फार्मूला हर उस जगह लगता था जहाँ तीनों में चेंज आता था, पहला दूसरा फार्मूला जहाँ साइक्लिक चेंज होती थी, या तो ऐसा लगता था जहाँ पे केवल एक परिवर्तन हो उसी पर दूसरा डिपेंड हो। ठीक है, तो वहाँ पे यूज होता था प्रतिशत वृद्धि प्रतिशत कमी वाला फार्मूला। और एक फार्मूला और हम लोगों ने देखा कि यदि कोई चीज़ गुना हो रहा है, ठीक है, जैसे x गुना हो गया, उसकी लंबाई में x गुना वृद्धि हुई, चौड़ाई में y गुना वृद्धि हुई, तो कुल कितने गुने की वृद्धि हुई, तो हमने देखा था एक्स वाई गुना हो जाता था उसमें, एक्स वाई माइनस वन गुने की वृद्धि होती थी, एक्स वाई माइनस वन गुणे 100 प्रतिशत की वृद्धि हो जाती थी। ठीक है, इस प्रकार के फार्मूले देखे। आज हम लोगों ने दो तीन फार्मूले देखे, एक क्या है प्रारंभिक मूल्य का, प्रारंभिक मूल्य बराबर, ठीक, प्रारंभिक मूल्य बराबर ए बाई एन गुणे यक्स अपान 100 प्लस माइनस यक्स। लेकिन अगर परिवर्तित मूल्य निकालना हो, परिवर्तित वाला, तो उसके लिए फार्मूला था ए बाई एन गुणे यक्स अपान 100। ठीक है, इसमें कुछ गुणा घटाना नहीं था। ठीक है, ये हो गए। और अभी एक फार्मूला अभी हम लोगों ने और देखा था, कुल संपत्ति क्या, कुल धनराशि जब एक ही प्रतिशत से अलग अलग तरीके से बांटा जाए, मतलब जैसे 100 रुपये धन था, 25% दे दिया, 75 बचा, 75 का कुछ भाग दे दिया, फिर जो बचा उसका कुछ परसेंट दे दिया, तो उस प्रकार से अगर कुल संपत्ति बांटी जा रही है तो उसके लिए फार्मूला था आर गुड़े 100/100 x। ठीक है, और गुड़े 100/100 y गुड़े 100/100 z, यह एक फार्मूला था। लेकिन यदि एक उसी संपत्ति से बराबर बराबर सबको दे दिया जाए, मतलब ये 100 रुपया उसमें 30 रुपया इनको दे दिया गया, 30% इनको दे दिया गया और 20% पुत्री को दे दिया गया, बाकी 50% अपने पास, मतलब 100 से ही बांट रहा है, तो उस प्रकार के फार्मूले के लिए कुल जो धनराशि होगी, वो हो जाता है आर गुड़े 100/100 x + y + z। इतने प्रकार के फार्मूलों को हमने देखा और इन सभी फार्मूलों को आप याद रख लीजिएगा, आपके प्रतिशत के सभी प्रश्न आपसे हल हो जाएंगे। अब कल अगला हमारा टॉपिक होगा लाभ और हानि। ठीक है, चलिए आज विदा लेते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कीजिएगा और अच्छा लगे तो वीडियो को आप लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।